हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन गाइस। आज मैं आपके सामने जिन जॉब वैकेंसीज के बारे में शेयर करने जा रही हूँ वो निकली हुई है अमेजन कंपनी में। अमेजन कंपनी में एक कैटलॉग स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल निकली हुई है जिसको आप क्वालिटी स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल भी बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने खुद अप्लाई किया था। मैं अभी वैसे जॉब कोई सर्च नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई जॉब चेंज नहीं करनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस लेने के लिए कितने यहाँ पे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, थोड़ा हेल्प मिल जाए अगर आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। तो अभी भी इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग चल रही है। मैंने डायरेक्ट एचआर का नंबर मैं आपके सामने शेयर करूंगी। एचआर की मेल आईडी है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल करके अपना इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हैं। कैसे आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना है, किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, क्या यहाँ पे वर्किंग आवर्स है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं गाइस अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि किस टाइप से मुझे मेल आया या फिर किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे पूछे या कितने यहाँ पे राउंड्स यहाँ पे मैंने दिए हैं। देखिए, मैंने जॉब प्रोफाइल जो है Naukri.com पे निकली हुई थी, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद मुझे एचआर का कॉल आया था। जब आपको एचआर का कॉल आएगा तो एक बेसिक सा आपका एक इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हैं, आप इस जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अगर आप सब चीज़ें ओके कर देते हैं तो उसके बाद जो एचआर है आपको एक मेल आता है। मेल इस टाइप का आता है जैसे मुझे भी यहाँ पर रिसीव हुआ था। उस मेल पे आपको एक्नॉलेजमेंट देना है कि हाँ, आप इस जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं और कब से जॉब प्रोफाइल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप एक्नॉलेजमेंट दे देंगे तो गाइस विद इन 24 या फिर विद इन 2-3 डेज में आपको एक अमेजन कंपनी की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आ जाएगा, जिसमें सारे आपको पूरा लिखा होगा कैसे आपको टेस्ट करना है। आपका आईडी एंड पासवर्ड वहाँ पे होगा कि कैसे आपको एक हेल्प के लिए लिंक भी दिया जाएगा कैसे आपको टेस्ट यहाँ पे देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है एक आईडी पासवर्ड होगा। उस आईडी पासवर्ड को जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस आईडी पासवर्ड को आपको डालना है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं तो आपका जो है टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब हम टेस्ट के बारे में गाइस बात करते हैं। जो टेस्ट होता है 25 मिनट्स का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चन आई थिंक होते हैं, 20-25 तक के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, सारे इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आपकी बेसिक ग्रामर भी अच्छी है तब भी आप इजीली इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड करेक्ट होगा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, सेंटेंस को करेक्ट करने के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इस टाइप के 20-25 यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आप पूरे कर लेते हैं, टाइमिंग जो है आपका साथ के साथ यहाँ पे काउंट होता रहता है साइड में जब आप एक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आप अपने पूरे क्वेश्चन फिल करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में एंड टेस्ट का। एंड टेस्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस एंड इसके बाद आपको तभी के तभी पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आपने किए हैं, मतलब आपका रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ है या फिर अनसक्सेसफुल हुआ है। देखिए, अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही, देखिए सबसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे जब इस एग्जाम को देगा, ऑनलाइन टेस्ट को देगा, तो हर किसी से डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल जो होता है सब सेम ही होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स फिल करो, सेंटेंस को करेक्ट करो, ठीक है, और इसके बाद ग्रामर से रिलेटेड, बेसिक ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, कैमरा ऑन होता है, तो आप यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं कर सकते, कोई थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन को आप हेल्प नहीं ले सकते हैं, फोन का कोई यूज नहीं कर सकते हैं, फिर गूगल पे आप इन क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकते हैं। इन्होंने खुद इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक रिकॉर्ड हो जाता है, वहाँ पे रिकॉर्ड चला जाता है कि आपने कुछ अननेसेसरी चीज़ें मतलब यहाँ पे यूज़ की हैं, उसकी हेल्प से आपने ये टेस्ट दिया है। सो गाइस, खुद पे बेस पे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खुद के बेस पे ही यहाँ पे आंसर देने हैं। अगर आपकी बेसिक ग्रामर भी मैं कहूँगी अगर सही है, इवन आप एज ए बिगनर भी हैं तब भी आप एक बार अटेम्प्ट जरूर करना। इतना मैं आपकी शॉर्टी लेती हूँ कि आपको ये ऑनलाइन लिंक जरूर आएगा टेस्ट देने के लिए, उसमें आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होगा जो मैं वीडियो के लास्ट में आपके सामने शेयर करूँगी। ठीक है, आपको सबसे पहले इसके बाद क्या होता है गाइस, अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो तभी के तभी आपकी मेल आईडी पे रिवर्ट आ जाता है आपका जो है उस। इसके बाद जो होता है एक एचआर राउंड होता है जो कि वर्चुअली होता है, जिसमें आपका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप इस जॉब प्रोफाइल में क्यों इंटरेस्टेड हैं, आपका सैलरी डिस्कशन वगैरह किया जाता है। आपको बताया जाता है कि देखिए यहाँ पे जो शिफ्ट टाइमिंग है
डे शिफ्ट टाइमिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो डे शिफ्ट में 12 o'clock से भी स्टार्ट हो सकती है, 10 o'clock से भी स्टार्ट हो सकती है, या 2 o'clock से भी स्टार्ट हो सकती है, नाइट शिफ्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके थर्ड राउंड में यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। मिला जुला के गाइस यहाँ पे फर्स्ट जो होता है स्टार्टिंग में टेलीफोनिक राउंड होता है, सेकंड जो होता है ऑनलाइन टेस्ट होता है, थर्ड जो होता है आपका एचआर राउंड वर्चुअल होता है, ठीक है। एक वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है ये, तो अगर आप इस जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, और यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पे आपके क्या KRAs वगैरह डेली बेसिस पे होने वाले हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, किस टाइप से आपको यहाँ पे काम करना होगा, क्या आपके डेली बेसिस पे यहाँ पे KRAs होंगे। फॉलो SOP टू परफॉर्म मैनुअल ऑडिट्स एंड रिजॉल्व आउटलायर्स, आइडेंटिफाई पैटर्न इमर्जिंग इन ऑडिट्स एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस, प्रोवाइड टाइमली रेस्पॉन्स टू स्टेक होल्डर ऑन रिलेटेड टास्क एज पर SOP एंड SLA, सिस्टमेटिकली एस्केलेट प्रॉब्लम टू रिलेवेंट ऑनर्स टीम्स अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्रोसेस, मेंटेन रिपोर्ट ऑफ डे टू डे वर्क ऑफ अपडेटिंग ट्रैकर्स और वर्क फ्लो टूल्स। तो ये कुछ आपके मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, इस टाइप के कुछ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होने वाली हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, इनकी क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, सो देखिए यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना जरूरी है, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, तो एनीवन कैन अप्लाई है। गुड कम्युनिकेशन स्किल बोथ एंड वर्बल एंड रिटन। देखिए इसके अलावा गाइस इन्होंने स्किल्स कुछ रिक्वायर्ड मांगी है, जैसे कि आपको MS Word, MS Excel की नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी जो आपका डेटा मेंटेन करने की जो स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी क्वालिफिकेशन है, पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। इवन आपको खुद भी यहाँ पे लिंक आ जाएगा कि आपको यहाँ पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली हैं। देखिए अब मेन चीजें मैं क्या डिस्कस कर रही थी कि यहाँ पे आपको कैसे ये मेल आएगा, जो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दे रही हूँ, ठीक है, उस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर अपना इंटरव्यू आप पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पे कैटलॉग स्पेसिस की जॉब प्रोफाइल निकली हुई है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल, तो क्या होता है फिर आपको एक मेल आता है इस टाइप का, उसको आपको एक्नॉलेज जरूर करना है। एक्नॉलेज करने के बाद आपको ये ऑनलाइन टेस्ट का यहाँ पे मेल आ जाता है। ऑनलाइन टेस्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे उसके बाद HR राउंड आपका फिक्स हो जाता है। उसके बाद आपको HR राउंड अगर क्लियर हो जाता है तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग की डेट आ जाती है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम होता है। अगर बात करें गाइस यहाँ पे सैलरी की, जो सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है 40,000 तक यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाती है, ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। एक चीज और है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 months का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, अगर आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा होता है तो आप एज ए परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ पे काम करने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ ये इनके कुछ क्राइटेरिया है, अगर आपको सही लगती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। naukri.com पे भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, बट मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रही हूँ, मैं ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर रही हूँ, उस ईमेल आईडी पे अपना CV भेज के आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये मेल तो रिसीव सबको ही होना है, इस चीज़ की मैं यहाँ पे श्योरिटी लेती हूँ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट भी आप इजीली यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस मैंने ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके साथ जितना मुझे एक्सपीरियंस मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं, कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आप इजीली यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस आई होप ये वैकेंसीज आपके लिए यूजफुल होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड जॉब से अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से मैं लेटेस्ट जॉब से अपडेट लाती रहती हूँ। कोई भी क्वेरी आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो